हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में Vivo V29 स्मार्टफोन को कंपेयर करेंगे OnePlus Nord C3 स्मार्टफोन के साथ में। इन दोनों ही स्मार्टफोन की प्राइस में आपको 6 से 7 हजार रुपए का डिफरेंस देखने को मिलता है, लेकिन अभी जो दीपावली की सेल्स चल रही है उसमें ये दोनों ही स्मार्टफोन ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइस पर देखने को मिलते हैं, क्योंकि Vivo के V29 स्मार्टफोन के साथ आपको 7 से 8 हजार रुपए का कैशबैक एक्सटेंड डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। इसी वजह से ये दोनों स्मार्टफोन आपको सिमिलर प्राइस रेंज में देखने को मिलते हैं। दोनों स्मार्टफोन में आपको 2 स्टोरेज वेरिएंट देखने को मिलते हैं, 8 GB प्लस 128 GB, जो कि Vivo के स्मार्टफोन में आपको 33,000 में देखने को मिलता है, जबकि OnePlus के स्मार्टफोन में आपको 27,000 में देखने को मिलता है। और एक और वेरिएंट दिया गया है 12 GB प्लस 256 GB, जो कि Vivo के स्मार्टफोन में आपको 37,000 में देखने को मिलता है, जबकि OnePlus Nord C3 स्मार्टफोन में 29,000 की प्राइस रेंज में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर प्राइस में आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा, लेकिन सेल में दोनों स्मार्टफोन लगभग ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइस में देखने को मिलेंगे। इसी वजह से हम इन दोनों स्मार्टफोन को कंपेयर कर रहे हैं। सबसे पहले अगर बात करें डिजाइन और डिस्प्ले की, तो दोनों स्मार्टफोन में आपको प्रीमियम डिजाइन दिया गया है। दोनों स्मार्टफोन के रियर साइड में आपको ग्लास बैक देखने को मिल जाता है, साथ ही फ्रंट में दोनों स्मार्टफोन में आपको पंच होल डिजाइन दिया गया है। Vivo V29 स्मार्टफोन में 6.78 इंच का 1.5K रेजोल्यूशन वाला 3D कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जो कि 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ आता है, जबकि OnePlus Nord C3 स्मार्टफोन में आपको 6.7 इंच का फुल HD प्लस सुपर फ्लूइड AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। ये भी यहाँ पर आपको 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ ही देखने को मिलता है। और दोनों स्मार्टफोन में आपको HDR 10 प्लस का सर्टिफिकेशन तो देखने को मिलता ही है। Vivo V29 स्मार्टफोन में आपको SGS ब्लू लाइट सर्टिफिकेशन देखने को मिल जाता है, जबकि OnePlus Nord C3 स्मार्टफोन में आपको TUV का 48 मंथ का फ्लुएंसी रेटिंग वाला डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, साथ ही X एक्सिस लीनियर वाइब्रेशन मोटर का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन में ऑलमोस्ट सिमिलर डिस्प्ले दी गई है। अगर आपको कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले चाहिए तब Vivo का V29 स्मार्टफोन बेहतर है, लेकिन अगर आपको फ्लूइड AMOLED डिस्प्ले चाहिए जिसमें आपको X एक्सिस वाइब्रेशन मोटर का सपोर्ट भी चाहिए, तब यहाँ पर OnePlus Nord C3 स्मार्टफोन बेहतर है। परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो Vivo V29 स्मार्टफोन में Snapdragon 778G प्रोसेसर दिया गया है, जबकि OnePlus Nord C3 स्मार्टफोन में आपको Snapdragon 782G प्रोसेसर दिया गया है। तो यहाँ पर आपको स्लाइटली बेहतर प्रोसेसर देखने को मिल जाता है OnePlus के स्मार्टफोन के साथ में। दोनों स्मार्टफोन आउट ऑफ द बॉक्स Android 13 के साथ आते हैं। फ्यूचर में दोनों स्मार्टफोन में आपको 2 Android अपडेट देखने को मिल जाएंगे, साथ ही 3 साल का सिक्योरिटी अपडेट भी देखने को मिल जाएगा। और दोनों स्मार्टफोन में आपको LPDDR4X RAM टाइप का सपोर्ट दिया गया है, लेकिन Vivo V29 स्मार्टफोन में आपको UFS 2.2 स्टोरेज टाइप का सपोर्ट देखने को मिलता है, जबकि OnePlus के स्मार्टफोन में आपको UFS 3.1 स्टोरेज टाइप का सपोर्ट दिया गया है। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस में स्लाइटली OnePlus का स्मार्टफोन बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर आपको बेहतर प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, साथ ही यहाँ पर UFS 3.1 स्टोरेज टाइप का सपोर्ट भी दिया गया है। कैमरे की अगर बात करें तो रियर साइड में दोनों स्मार्टफोन में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जिसमें मेन सेंसर आपको 50 MP का देखने को मिलता है। Vivo V29 स्मार्टफोन में आपको GN5 सेंसर देखने को मिलता है, जबकि OnePlus Nord C3 स्मार्टफोन में आपको लेटेस्ट जो कि अभी प्रीमियम रेंज वाले स्मार्टफोन में देखने को मिलता है IMX890 वाला सेंसर देखने को मिल जाता है। और दोनों स्मार्टफोन में आपको OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, साथ ही 8 MP का अल्ट्रा वाइड का सेंसर और 2 MP का माइक्रो सेंसर दोनों स्मार्टफोन में दिया गया है। और फ्रंट में Vivo के स्मार्टफोन में आपको 50 MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है, जबकि OnePlus के स्मार्टफोन में आपको 16 MP के ही फ्रंट कैमरे का सपोर्ट दिया गया है। और दोनों स्मार्टफोन से आप 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। तो मैं यहाँ बोलूंगा कि अगर आपको एक सेल्फी के लिए कोई स्मार्टफोन चाहिए तब तो Vivo V29 स्मार्टफोन क्लियरली विनर है, लेकिन अगर आपको एक ओवरऑल अच्छा कैमरा चाहिए तब यहाँ पर OnePlus का स्मार्टफोन बेहतर है, क्योंकि इसमें जो रियर कैमरे में जो मेन सेंसर दिया गया वो सोनी का है, साथ ही काफी बेहतर सेंसर है, जो कि अभी आपको OnePlus 11 स्मार्टफोन में भी देखने को मिला था। बैटरी और चार्जिंग की अगर बात करें तो Vivo V29 स्मार्टफोन में आपको 4600 mAh की बैटरी दी गई, जबकि OnePlus Nord C3 स्मार्टफोन में आपको 5000 mAh की बैटरी दी गई। और दोनों स्मार्टफोन में आपको 80W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया, जो कि इन दोनों स्मार्टफोन को लगभग 45 से 50 मिनट में फुल चार्ज कर देगा। तो मैं यहाँ बोलूंगा कि आपको थोड़ी सी बेहतर बैटरी देखने को मिल जाती है OnePlus के स्मार्टफोन के साथ में। कनेक्टिविटी और सेंसर्स की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको दोनों स्मार्टफोन में लेटेस्ट और सिमिलर से कनेक्टिविटी देखने को मिलती है, और सेंसर भी दोनों स्मार्टफोन में आपको सिमिलर ही दिए गए। और AMOLED डिस्प्ले होने के कारण यहाँ पर आपको दोनों स्मार्टफोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर कनेक्टिविटी और सेंसर दोनों स्मार्टफोन में ऑलमोस्ट सिमिलर देखने को मिलते हैं। कलर वेरिएंट की अगर बात करें तो Vivo V29 स्मार्टफोन में आपको 3 कलर वेरिएंट दिए गए, स्पेस ब्लैक, हिमालयन ब्लू और मेजेस्टिक रेड, जबकि OnePlus के स्मार्टफोन में आपको 2 ही कलर वेरिएंट देखने को मिलते हैं, एक्वा सर्ज और ग्रे शिमर। तो यहाँ पर आपको Vivo के स्मार्टफोन में एक्स्ट्रा कलर वेरिएंट देखने को मिल जाता है। तो अगर मैं ओवरऑल कंपैरिजन की बात करूँ तो अगर आपको एक ऐसा स्मार्टफोन चाहिए जिसमें आपको फ्रंट कैमरा आपके लिए इम्पोर्टेंट और आपको एक कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले ही चाहिए तब तो Vivo का V29 स्मार्टफोन बेहतर है। लेकिन अगर आपको एक ओवरऑल अच्छा स्मार्टफोन चाहिए जिसमें आपको बैटरी भी बड़ी देखने को मिले, साथ ही अच्छी डिस्प्ले भी देखने को मिल जाए, बेहतर कैमरा भी देखने को मिले और परफॉर्मेंस भी आपको अच्छी देखने की मिले, तब तो यहाँ पर OnePlus Nord C3 स्मार्टफोन बेहतर है, क्योंकि इसमें आपको लगभग सारी की सारी चीजें देखने को मिल जाती है। ओवरऑल ये स्मार्टफोन Vivo V29 स्मार्टफोन से बेहतर है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आप कमेंट करके बताइए कि आपको इन दोनों स्मार्टफोन में से कौन सा स्मार्टफोन अच्छा लगा,
और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।